तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के जेर एहतमाम अजीम उशान जलसे आम बनवान तेलंगाना मुस्लिम डिक्लेरेशन आबनोस फंक्शन हॉल वरंगल में मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सजाद नशीन दरगाह काजी पेट की सदारत मुनक्किद हुआ। मेहमान खसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन कमेटी तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी रियासती कन्वीनर मोहम्मद सलीम पाशा एडवोकेट शेख यूसुफ बाबा अलमारूफ इसकाई बाबा एजाजी मेहमानान में मुफ्ती मोहम्मद शरफुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद मिनहाज अहमद मौलाना शेख आबिद अहमद डॉक्टर राज मोहम्मद शकील अहमद शामिल थे। इस मौके पर मुसलमानों के सियासी समाजी माशी मुतालबात पर मुश्तमिल मुस्लिम डिक्लेरेशन पेश करने वहीं सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया और जो भी मसाइल पार्टी मुस्लिम मसाइल असम्बली से गौर करते हुए यकसुई करने की कोशिश करेगी उनको वोट देने की मुसलमानों से ख्वाहिश करते हुए उनके प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अजला में प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए इस मौके पर मुसलमानों की सैकड़ों की तादाद तकरीब में शरीक रही। आज यहाँ वारंगल में मुस्लिम डिक्लेरेशन 2023 के सिलसिले में मुसलमानों का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें ख़ास तौर पे मुसलमान आज किस हालत में है और तेलंगाना गवर्नमेंट फार्मर ने कहा मुसलमानों के साथ किस तरीके से गद्दारी हुई, वो गद्दारी होने से कैसा हम उसको हासिल करना और उसको सबक कैसा सिखाना पॉलिटिकल पार्टीज को, ये सच में डिस्कशन किया गया है। तो ख़ास तौर पे जो भी 12 जितने भी पॉइंट्स हम डिक्लेरेशन में रखे हैं 22 पॉइंट मिनिमम स्टेट लेवल के हिसाब से रखे और जो भी है यहाँ के लोकल बॉडी के प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको ऐड करके जहाँ जहाँ मुसलमान जो भी इलेक्शंस आते हैं जब भी कोई MLA आता है वो भी TRS का रहो कांग्रेस का हो उनको TRS वाला तो इतने प्रॉब्लम से तुम लोग GST वायदे है तुम इसमें क्या करे, कांग्रेस वाला तुम ये प्रॉब्लम है तुम क्या करते, ये इस तरीके से पूछ के और सब मिल के एक उलमा का कमेटी और सब मुसलमानों का एक कमेटी बना के सब एक जगह जमा होकर ये ऐसा डिसीजन लेना है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ऐसा नुमाइंदों को हमने इलेक्ट करना कि हमारे साथ साथ काम करें। अगर दो नुमाइंदे भी हमारे साथ दुश्मनी करने का मकसद है तो और आखिरी वोट है जो नोटा डाल लेने का, क्योंकि ये बताना है बार के मुसलमान एक जगह वोट डाले तो क्या होता, जो फ़खर है जो मुसलमानों को फुटबॉल का जैसा जो खेल रहे ये पॉलिटिकल पार्टियां उसका जवाब हम देने का है। इसलिए ये सिलसिले में हर डिस्ट्रिक्ट में हम कमेटी हम फिर के अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं तो इसके लिए 13वां मीटिंग है हम यहाँ पे इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन से डिक्लेयर होने से पहले तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट तो फिरने का उम्मीद करते हैं। खाली अब दो डिस्ट्रिक्ट बचा अनडिवाइडेड में वो भी कंप्लीट करके इंशाल्लाह एक बड़ा मैदान में मुसलमानों का डिक्लेरेशन का एक मीटिंग लाएंगे।